Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hey guys, I am back with a very interesting video. Guys, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया का अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ गाइज, आप सभी जानते हो नोकिया बहुत ही देरी से स्मार्टफोन के दुनिया में वापसी किया है, इसीलिए अभी तक कोई भी स्मार्टफोन में सक्सेस नहीं हो पाया। इसीलिए नोकिया जो अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसमें बहुत ही कमाल का स्पेसिफिकेशन, कमाल का कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फीचर्स हम लोग देख पाएंगे। तो रूमर्स एंड लीक्स के हिसाब से इसका नाम है नोकिया 9। गाइज, नोकिया 9 का बहुत ही बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है, ऐसा नोकिया का दावा है, एचएमडी ग्लोबल का दावा है। तो मैं इस वीडियो में रूमर्स एनालिसिस से बताऊंगा कि नोकिया 9 कैसा होने वाला है, इसमें क्या कुछ फीचर्स टेक्नोलॉजी हम लोगों को देखने को मिलेगा, कब तक ये लॉन्च होगा, सब कुछ बताऊंगा बहुत ही डिटेल्स में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड तक देखना आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि नोकिया 9 कैसा होने वाला है। आप देख रहे हैं शॉर्ट वी SRM, मैं नाम है राकेश। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड गाइस लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, नोकिया मतलब बहुत ही एक ट्रस्टेड ब्रांड है, बहुत ही बेस्ट मोबाइल नेटवर्क कंपनी था नोकिया, लेकिन बहुत ही देरी से वापसी किया है स्मार्टफोन की दुनिया में, एंड्रॉयड की दुनिया में। तो नोकिया 9 पे जो लॉन्च करने जा रहे हैं, इसका जो डिस्प्ले मिलेगा आपको एक 6.0 इंच का एक OLED पैनल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें Quad HD रेजोल्यूशन, फुल बेजललेस आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा नोकिया 9 में। जी गाइस, फुल्ली आपको ग्लास बॉडी सेटअप देखने को मिलेगा जो दिखने में काफ़ी प्रीमियम होगा। गाइस, इसमें जो प्रोसेसर मिलने वाला है नोकिया 9 में, क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर चिपसेट एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट मिलेगा इसमें। इसमें जो वेरिएंट मिलेगा आपको 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, जो परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। गाइस, और एक बात, ये जो स्मार्टफोन लॉन्च होगा नोकिया 9, इसमें लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड पी। जी हां गाइस, जो एकदम लेटेस्ट आपको एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिल जाएगा नोकिया 9 में। गाइस, इसका जो मेन फीचर्स होगा, इसका कैमरा बहुत ही इंप्रूव करने वाला है नोकिया 9 में, जिसमें आपको पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जैसे कि Wifi P20 Pro में आपको देखने को मिला था, वैसे आपको पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो सेंसर होगा 41 MP, 20 MP एंड 9.7 MP, टोटल आपको 70.7 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा नोकिया 9 में, जो बहुत ही खास होने वाला है। इसमें आपको जो सेंसर होगा कार्ल ऑप्टिक जेसिस का आपको लेंस देखने को मिलेगा, जो कैमरे के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। फ्रंट कैमरा इसमें आपको मिलने वाला है 24 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है नोकिया 9 में। तो गाइस, कैमरे के हिसाब से एकदम लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन को टक्कर देने के लिए नोकिया 9 काफ़ी अच्छा होने वाला है। गाइस, और एक बात, इसमें जो आपको बैटरी मिलने वाला है 4000 mAh का बैटरी मिलने वाला है, जो बैटरी सर्विस के लिए भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, एंड इसमें टाइप सी पोर्ट होगा जिसमें आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। गाइस, और एक बात, एकदम लेटेस्ट फीचर्स, लेटेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम इसमें आपको मिलने वाला है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हां गाइस, जैसे कि वीवो इंप्लीमेंट किया है Vivo X21 में, वैसे ही आपको इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा, शायद इससे भी थोड़ा फास्ट भी होगा, ये काम करेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। एंड गाइस, एक लेटेस्ट इसमें जो फीचर्स होगा नोकिया 9 में, अभी हो सकता है, अभी तक कुछ कॉन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन नोकिया HMD ग्लोबल ने काम स्टार्ट कर दिया है कि 5G टेक्नोलॉजी। जी हाँ गाइस, इसमें आपको 5G नेटवर्क एनेबल हो सकता है नोकिया 9 में, जो बहुत ही एक लेटेस्ट फीचर्स होगा स्मार्टफोन यूज़र के लिए। गाइस, रूमर्स के हिसाब से इतना ही गाइस नोकिया 9 के बारे में, अभी तक ऑफिशियली कुछ कॉन्फर्म नहीं हुआ है कि स्मार्टफोन इसका स्पेसिफिकेशन क्या होने वाला है, लेकिन रूमर्स के हिसाब से ऐसी जो खबर आ रही है वही आप लोगों को बताऊंगा। गाइस, अगर कुछ नया लीक्स, नया रूमर सामने आएगा तो नोकिया 9 के रिगार्डिंग, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया पर। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।